पिछले 30 साल में किसी भी नॉन बीजेपी सरकार की इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं आई थी। 1984 में कांग्रेस 414 सीटों से जीती थी और उसके बाद लगातार 200 या उसके आसपास की सीटें सबको मिलती रहीं। बीजेपी की सरकार ने पिछले दो टर्म में जितनी सीटें लाई थी उससे इस बार इनकी सीटें कम है, लेकिन फिर भी ये बात क्लियर है कि एनडीए थर्ड टर्म में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो इसके लिए एक बार वोटर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। और सबसे मजे की बात यह है कि अब एक बार फिर से ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट आ रही है जिसमें किसी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं है। ऐसा बहुत पहले होता था, 1990s के टाइम में बहुत हुआ है, जिसमें 13 महीनों में सरकारें गिर जाया करती थी। फिर 2000s के टाइम पर हुआ, जहां पर हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट में कैश फेंका जा रहा था वोट्स के बदले, या फिर एक न्यूक्लियर डील को पास कराने के लिए कितना स्ट्रगल हमें देखना पड़ा। लेकिन जो करंट वोटर्स हैं वो या तो इसे भूल चुके हैं या उन्होंने लाइव इस चीज को अभी तक नहीं देखा है। तो अच्छा है, एक बार कोएलिशन सरकार आ गई है, अब वो भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और इस पूरे इलेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इलेक्शन होने के पहले सब लोग बोल रहे थे कि ये तो डिक्टेटर की सरकार है, ये तो इलेक्शन को पूरा खरीद लेंगे, ईवीएम पूरी बिकी हुई है। लेकिन रिजल्ट के बाद आप देखना कोई ये बोलता हुआ नहीं दिखता। इंटरेस्टिंग है कि जिसे आप डिक्टेटर बोल रहे हो उसने ऐसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए कि उसकी खुद की पार्टी मेजोरिटी नहीं रीच कर पा रही है। बाकी दिल्ली का रिजल्ट तो एज एक्सपेक्टेड आया है। केजरीवाल सर ने कहा था कि 7-0 हो जाएगा और बिल्कुल उन्हीं के कहे हुए 7-0 हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा मामला बदल गया है इस 7-0 का, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इन सब के अलावा जो एग्जिट पोल करवाते हैं इलेक्शन रिजल्ट के 3 दिन पहले जल्दी जल्दी आके एकदम बता देते हैं कि ये जीतेगा वो हारेगा, उन सब के मुंह पे जैसा प्रशांत किशोर जी कहते हैं, गोबर लग चुका है। वैसे हमने भी कुछ ऐसा ही प्रेडिक्ट करा था क्योंकि सारे लोग कर रहे थे, तो हमारा भी एग्जिट पोल उसी तरह से उतना ही गलत हो चुका है। ये सब देख के लगता है एग्जिट पोल करवाते क्यों, जब तुम्हारे पास कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है कि आप करेक्टली प्रेडिक्ट कर सको और थोड़ा सा भी चेंज होने में तुम्हारे रिजल्ट इतने ज्यादा डिफर हो जाते हैं, तो 2-4 दिन रुक के इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया करो। इस पूरे एग्जिट पोल के नाटक की जरूरत ही क्या। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टोटल सीट की टैली तो नहीं आई है, लेकिन ये बात क्लियर है कि एनडीए अपनी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन अगर इससे कुछ पार्टी टूटी तो इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ जोड़ तोड़ करके अपनी राजनीति कर सकती है। आगे क्या होगा ये अगले कुछ दिनों में क्लियर होगा, लेकिन एक बात जो बहुत क्लियर है कि बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से वो यूपी में बुरी तरह से हार गए। अरे अमेठी की सीट में हार गए। 2019 में स्मृति ईरानी को जायंट किलर बोला जा रहा था क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार राहुल गांधी ने केएल शर्मा को भेजा और स्मृति ईरानी उनसे भी नहीं जीत पाई। और इससे भी बड़ा शॉकर है अयोध्या के अंदर, लेकिन वहां पे बीजेपी क्यों हारी है सब कुछ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सबर रखो। यूपी के अलावा एमपी भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिली और जो सबसे बड़े मार्जिन से पूरे देश में सीट जीती गई है वो एमपी के अंदर इंदौर की सीट है। ओडिशा और आंध्रा भी आउट ऑफ सिलेबस आ गए, वहां पर एक्चुअली असेंबली इलेक्शन भी थे। आंध्रा में वाईएसआरसीपी को हटा के टीडीपी वापस आ गई पावर में और ओडिशा के अंदर तो ऐसा हुआ जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। बीजेडी की सरकार वहां से स्टेट में गायब हो गई है, बीजेपी की फुल मेजोरिटी आ गई है और जो लोकसभा इलेक्शन है उसके अंदर भी बीजेपी की काफी ज्यादा सीटें आई है जैसा पहले कभी नहीं होता था। इलेक्शन के पहले लोग कह रहे थे कि नॉर्थ में तो बीजेपी हाफ हो जाएगी और साउथ से तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब देखो नॉर्थ में तो काफी ज्यादा कम हुई है, लेकिन सदर्न स्टेट ने काफी अलग रिजल्ट दिए। कर्नाटका के अंदर बीजेपी की अच्छी खासी सीटें आ गई, केरला में बीजेपी ने पहली बार एक सीट जीती और तमिलनाडु के अंदर भी उनका अच्छा खासा वोट शेयर बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए कोएलिशन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सदर्न भारत के कई सारे स्टेट्स में बीजेपी और एनडीए ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा है। लेकिन जो बीजेपी की पार्टी की अंदर की लड़ाइयां थी इसकी वजह से और फार्मर प्रोटेस्ट और रेसलर प्रोटेस्ट की वजह से राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी बुरा परफॉर्म करा है इन्होंने। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, एंड तक देखना, बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया था, एक करप्शन केस में अंदर है वैसे तो, लेकिन ये खुद को भगत सिंह आजकल कहते हैं और ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर 7-0 का रिजल्ट आएगा और मैं देख के शॉक्ड हूं कि बिल्कुल वही हुआ है। लेकिन इस बार सातों की सातों सीटें वैसे बीजेपी ने जीत ली है जैसे 2019 में इन्होंने जीता था। तो इससे ये बात साबित होती है कि इन्होंने कितना भी अपने आप को भगत सिंह बोला हो, दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जी के लिए सिंपैथी वेव बिल्कुल जीरो है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट और ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मनोज तिवारी यहां से लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से और बड़े फनी इंटरव्यू देते हैं ये, और इनके अगेंस्ट में कौन थे, कन्हैया कुमार, जिसको बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर तारीफ करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कन्हैया कुमार यहां से बुरी तरह से हार चुके हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक फेस सेविंग स्टेट बना है, ये शायद अकेला स्टेट है जहां पर इतनी सारी सीटें, 29 सीटें और सारी की सारी बीजेपी ने जीत ली है। इंदौर के अंदर बीजेपी की जीत पूरे देश के अंदर सबसे बड़े मार्जिन की जीत बनके निकली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 10-15-20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो आइडियली यहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत होनी चाहिए थी, जो कि पिछले स्टेट इलेक्शन में दिख भी रहा था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो वहां के स्टेट सीएम से नाराज थे, लेकिन बीजेपी को अभी भी फुली सपोर्ट करते हैं। जब सीएम को हटा दिया गया तो बीजेपी एक बार स्टेट में भी जीती और दोबारा से
वही परफॉर्मेंस लोकसभा के इलेक्शन में भी देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा शॉकर आया ओडिशा के अंदर से। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ हो रहे थे। इलेक्शन से जस्ट पहले बीजेडी के नवीन पटनायक जी का ये वीडियो आया। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक्स वीडियो सर्फेस्ड, लुक क्लोजली, दिस हैज ट्रिगर्ड अ शोडाउन एंड अ कंट्रोवर्सी इन दिस वीडियो। पटनायक्स क्लोज एट वीके पांडियन, अ ब्यूरोक्रेट अर्लियर नाउ अ नेता, appears to be trying to hide the chief minister's trembling hand. इनके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन पंडियन जी इनके हाथ को साइड में रख देते हैं ताकि वो दिखाई न दें। ये वही पंडियन जी हैं जो कि पहले एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओडिशा में कोई इन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन बीजेडी में नवीन पटनायक के बाद यही उनके सक्सेसर माने जा रहे हैं और इनके अगेंस्ट जो लोगों का गुस्सा है वो साफ साफ इस वोटिंग के रिजल्ट में दिखाई देता है। थोड़ा आप सदर्न स्टेट की तरफ चलते हैं। कर्नाटका में 28 सीटें 25 बीजेपी के पास थी और कांग्रेस के पास एक सीट थी, लेकिन बीजेपी इस 8 सीटें लूज कर जाती, 17 सीटें इन्हें मिलती हैं और कांग्रेस वो सारी की सारी 8 सीटें गेन करके 9 सीटें ले आती है। जेडीएस के पास सिर्फ 2 सीटें थी। स्टेट गवर्नमेंट अभी इस टाइम पर अगर आप देखें तो कांग्रेस की है वहां पर, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को और ज्यादा यहां गेन करना चाहिए था, वो उतना गेन नहीं कर पाई है। और वहीं जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट है वो कह रहे थे कि कर्नाटका एक सदर्न स्टेट है और यहां से बीजेपी अब गायब हो जाएगी, लेकिन वैसा भी होते हुए यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार और गुजरात नॉर्मल से स्टेट दिखते हैं। गुजरात में बीजेपी पिछली बार 25-1 से जीती थी, इस बार इनकी एक सीट हो गई है। बिहार में देखें तो बीजेपी और जेडीयू दोनों जो एनडीए गठबंधन में, इनकी 12-12 सीटें आई हैं, तो टोटल 24 सीटें आई हैं 40 में से। वहीं दूसरी तरफ है आरजेडी, जिसमें तेजस्वी प्रताप बहुत सारी रैलीज कर रहे थे, मटन मछली खाते हुए नवरात्रि में फोटो और वीडियो बना रहे थे और बाद में कहते हैं कि इनकी पीठ में दर्द है तो व्हीलचेयर पे रैलियां कर रहे थे, लेकिन इनकी टोटल पूरे स्टेट में 40 में से सिर्फ 4 सीटें आई। इसका मतलब साफ है, 90s का जो जंगल राज बिहार में होता था शायद उसकी जनता उसे भुला नहीं पा रही। अब थोड़ा सा और सदर्न स्टेट्स की तरफ देखते हैं। केरला के अंदर अगर आप देखें तो पहली बार हिस्ट्री में बीजेपी की कोई एक सीट यहां पर जीत के आई है। दूसरी सीट भी यहां पर आ सकती थी जो कि थरूर के अगेंस्ट आर चंद्रशेखर जी लड़ रहे थे, लेकिन ये बहुत स्मॉल मार्जिन से थरूर एंड मोमेंट पे जीत जाते हैं। तमिलनाडु में अगर देखें तो यहां पर बीजेपी सीट तो नहीं गेन कर पाई। इनके जो के अन्नामलाई बड़े वायरल कैंडिडेट थे वो भी हार गए छोटे से अंतर से, लेकिन फिर भी तमिलनाडु के अंदर इन्होंने वोट शेयर काफी अच्छे मार्जिन से गेन किया है। सदर्न स्टेट्स में दूसरा नाम है आंध्र प्रदेश का। यहां पर भी ओडिशा की तरह इस बार असेंबली इलेक्शन हो रहे थे और यहां पर बीजेपी अलाइड टीडीपी ने एक बहुत बड़ा सेटबैक किया है। स्टेट के अंदर टीडीपी को टोटल 136 सीटें आई और अब टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू यहां पर अगले सीएम बनने वाले हैं। वहीं अगर लोकसभा इलेक्शन में देखें तो टीडीपी 16 और बीजेपी 3 के साथ में 25 में से 19 सीटें एनडीए अलायंस ने यहां पर जीत ली है। अब बात करते हैं उन स्टेट्स के बारे में जहां पर एंटी बीजेपी वेव देखने को मिली। पंजाब पहला स्टेट है, यहां पर कांग्रेस की 7 सीटें आई और आम आदमी पार्टी की 3 सीटें, बीजेपी को यहां पर 0 सीट्स मिली हैं। लेकिन पंजाब के अंदर एक जो शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला वो था अमृतपाल का जीतना। अमृतपाल वही इंसान है जिस पर खालिस्तानी और सेपरेटिस्ट होने के आरोप लगते हैं, इस समय वो जेल में बंद है। आफ्टर 35 डेज ऑफ मेगा मैनहंट, खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह हैज बीन अरेस्टेड इन मोगा और जेल के अंदर से इसने चुनाव लड़के जीत लिया है। यहां पर एंटी बीजेपी का सबसे बड़ा रीजन था फार्मर प्रोटेस्ट, लेकिन अमृतपाल का रिजल्ट देख के लग रहा है कि जो सेपरेटिज्म की आंधी यहां पर चल रही है इसको भी सपोर्ट करने वाले लोग यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी जितना बड़ा यहां पर परफॉर्म करने का दावा कर रही थी, दिल्ली की तरह वो यहां पर भी उतना बड़ा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। अगला और भारत का सबसे शॉकिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। बीजेपी की यहां पर सिर्फ 31 सीट आई है, यानी 2019 से इनका नंबर हाफ रह गया है। वही समाजवादी पार्टी को देखें, 2019 में 10 सीटें थी, अभी 38 पे पहुंच चुके हैं, मतलब 4 गुना इनका नंबर बढ़ा है। और वहीं कांग्रेस को देखें तो पहले इनकी सिर्फ 1 सीट थी, अब इनकी 7 सीटें हैं पूरे स्टेट के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखें, अयोध्या से तक बीजेपी हार गई है। यहां पर इन्होंने राम मंदिर बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, रेल स्टेशन बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगवाए, लेकिन जनता ने कहा ना, हमें ये कुछ नहीं चाहिए और हम इसके अगेंस्ट वोट करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को शॉकिंग लग सकता है, लेकिन भैया भारत के जो वोटर्स हैं वो हमेशा से इतने ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से वोट करते हुए आए हैं। वरना आप याद कर लो 1999 से 2004 के बीच में क्या हुआ था। कारगिल वॉर हुई थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना था, न्यू पेंशन स्कीम लगी थी, लेकिन फिर भी अटल बिहारी की सरकार सिर्फ प्याज की बढ़ती कीमतों और एक फेक कॉफिन स्कैम के चलते हार गई थी। तो भारत का वोटर कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, उसका एक और एग्जाम्पल हमें अयोध्या के अंदर देखने को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने बहुत मैसिव तरीके से गेन किया है और ये ज्यादातर जो गेन आया है वो बीएसपी के कोलैप्स होने से आया है। बहुजन समाज पार्टी को पिछले वाले इलेक्शन में 19% वोट मिले थे, जो घट के सिर्फ 9% रह गए और इस सारा का सारा वोट ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत स्ट्रांग है और ऐसा लगता है इस पूरे वोट बैंक ने एक साथ इंडिया अलायंस के लिए वोट किया है। और इन सारी चीजों के अलावा ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बैकलैश था अग्निवीर को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पेपर लीक को लेकर। लेकिन बीजेपी की यूपी वाली परफॉर्मेंस को देखकर बहुत सारे लोग आपसे कहते हुए दिखेंगे कि देखो वोटर कितना एनलाइटेंड हो गया है, अब वो हेट पॉलिटिक्स में वोट नहीं करता है, तो उनको मैं सिर्फ
तरफ इमरान मसूद का एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। सहारनपुर से एक कैंडिडेट है और लगभग 80 से 90 हजार वोटों से ये इस बार जीत रहे हैं। और 2014 में देखो इनकी क्या स्पीच थी। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? जो ठोक के जवाब देना, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा है, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। तो क्या आप अभी भी सच में कहोगे कि लोग हेट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में जाके वोट कर रहे हैं? इसी हेट पॉलिटिक्स वाली बात में माधवी लता को लोग कोट करते हुए कहते हैं कि देखो वो ओवैसी से कैसे हार गई। लेकिन इन्हीं ओवैसी के भाई की जो हेट स्पीच है वो तो सारे लोगों ने सुन रखी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर हेट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में वोट पड़ रहा है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दोनों साइड के लोग इक्वली रेडिकलाइज हो चुके हैं और यहाँ पर हेट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं है, ये बस मेरी वाली हेट पॉलिटिक्स का सपोर्ट करने वाले वोटर्स हैं जो या तो एक तरफ वोट करते हैं या दूसरी तरफ। और ये सारा डिपेंड करता है कि उस सीट की डेमोग्राफिक कैसी है। इमरान मसूद ने एक छोटे से सेंटेंस से ये बात बहुत अच्छे से समझा दी थी। अगर आप बंगाल की तरफ देखो तो बहुत सारे एग्जिट पोल वाले कह रहे थे कि यहां तो कुछ अलग ही मचने वाला है, लेकिन बीजेपी की 18 सीटें थी वो 12 पे रह गए। टीएमसी को 29 सीटें मिली है, टोटल 42 सीटें यहां पर। वैसे एग्जिट पोल वाले 2021 में भी कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बीजेपी जीतने वाली है, वो तब भी नहीं जीत पाए थे और इस बार तो उनकी सीटें लोकसभा में कम होते हुए दिखी है। टीएमसी ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूज करी, इन्होंने इंडिया अलायंस से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा। ये कहते हैं बाहर से सपोर्ट कर देंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई भी मीटिंग नहीं ज्वाइन करी थी। उसका रीजन ये था कि ममता बनर्जी खुद को एक नेशनल लीडर मानती है। वो पहले कांग्रेस की अलायंस में रहकर सरकार भी चला चुकी है और रेल मिनिस्टर रह चुकी है, तो वो डेफिनेटली अपने आप को एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट करना चाहती है। और अब 29 सीटों के साथ में अगर वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट भी करती है तो उनकी पावर ज्यादा होगी। बंगाल के अंदर एक मुझे बहुत अनसेटलिंग चीज दिखी। बसीरहाट लोकसभा के अंदर सौंदेश खली की विधानसभा आती है और सौंदेश खली में जो लोकल टीएमसी कॉर्पोरेटर था उसके ऊपर कई सारी महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है। इसके अलावा लैंड ग्रैब स्कैम में भी इसका नाम आया था, ईडी तक के इसके छापे पड़े थे, लेकिन बशीरहाट की सीट पर फिर भी टीएमसी का कैंडिडेट ही जीतता हुआ दिखा है। इससे कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि टीएमसी के वोटर को इस सेक्सुअल असॉल्ट की खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि अनफॉर्चुनेट और काफी सैड बात है। अगर महाराष्ट्र में देखें तो एनडीए अलायंस की 18 सीटें, इंडिया अलायंस की 19 सीटें, कांग्रेस की 12 और बीजेपी की 11, टोटल इस स्टेट में 48 सीटें। जितने भी नंबर मैं बता रहा हूं ये 4 जून की शाम 6 बजे तक के नंबर है, नंबर आगे बदल भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। बीजेपी ऑलरेडी यहाँ स्टेट में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ इन्होंने सरकार बनाई और उनको इन्हें सीएम बनाना पड़ा, फडणवीस को पीछे रहना पड़ा, फिर इन्हें अजीत पवार वाली एनसीपी को शामिल करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वही अजीत पवार जिन पर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आरोप लगा चुके थे कि इन्होंने तो स्कैम कर रखा है। और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट चलाने के साथ जब बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में जाती है तो उन्हें यहां पर एक बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ता है और महाराष्ट्र के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी को कहीं ना कहीं एक सिंपथी वेव भी मिली कि इनकी तो पूरी पार्टी चोरी हो गई है, तो कई सारे वोटर्स ने शायद सिंपथी में भी उनके लिए काफी ज्यादा वोट किया है। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में सवाल आता है कि भैया कांग्रेस जीती कैसे? मुझे जो दो चार चीजें लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो राहुल गांधी बार बार कहते थे कि 1,00,000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, 8,500 रुपए खटाखट 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 अकाउंट में आ जाएंगे। आई थिंक इस बात से वोटर बहुत ज्यादा रिलेट करें। इसके अलावा यूथ को इन्होंने 1,00,000 रुपए तक की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया था और उससे भी शायद वोटर यहाँ पर रिलेट कर रहा है। लेकिन इन सारे के सारे नैरेटिव में एक नैरेटिव जो सबसे स्ट्रांग निकल के आता है वो है कास्ट नैरेटिव। जब बीजेपी ने कहा था कि हमें 400 पार चाहिए तो ऑपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया कि भैया देख लो अपने आप, क्योंकि 400 पार हो गए तो ये रिजर्वेशन हटा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और उसके बाद से राहुल गांधी बार बार अपनी हर रैली में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके जाते थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नैरेटिव ऑपोजिशन के फेवर में सबसे ज्यादा गया है। और इस पूरे देश में जो दलित पॉलिटिक्स चल रही थी वो ऑलरेडी पूरी तरह से बदल चुकी है। ना प्रकाश अंबेडकर को कोई वोट दे रहा है, ना बीएसपी को कोई वोट दे रहा है, तो जितने के जितने कास्ट वोट थे वो सारे या तो एसपी की तरफ शिफ्ट हो गए या फिर इंडिया अलायंस को चले गए, सिर्फ एक इस नैरेटिव की वजह से। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मुझे नहीं पता ग्राउंड पे कितना असर हुआ है इनका, लेकिन सोशल मीडिया पर जो राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हुआ है शायद वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल था। अभी कोई इंसान नहीं कहता है कि ये कैसा इंसान है, कैसी स्पीच दे रहा है, लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी अब एक मैच्योर लीडर बन चुके हैं और बड़े सीरियसनेस के साथ भाषण देते हैं। तो जो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, जो सीट गेन हुआ है, उसमें राहुल गांधी की इमेज मेकओवर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा ये भी रोल है कि बहुत सारे लोग एक साथ लड़ रहे थे तो कई सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी या बाकी अलायंस मेंबर नहीं लड़ रहे वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी डेफिनेटली इन्हें फायदा मिला होगा। लेकिन 2019 में भी आपको याद होगा महागठबंधन था, तब भी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आई थी। कांग्रेस ने ऑलमोस्ट अपनी सीटों को डबल से भी ज्यादा बढ़ा दिया है और ये कहीं ना कहीं राहुल
राहुल गांधी की इमेज मेकओवर का एक सीधा रिजल्ट दिखाई देता है। वहीं अगर बीजेपी को देखो तो दो टर्म की तो इनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी लगी हुई थी। इनकी वेलफेयर स्कीम सब लोग कहते थे कि बहुत अच्छी स्कीम है, घर दे दिया, अनाज दे दिया, बिजली दे दिया, सिलेंडर दे दिया, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि भैया नया क्या है, ये तो सब ऑलरेडी आपने दे दिया, अब आप क्या करोगे। तो उसमें ये कुछ नहीं बता पाए। इनका मैनिफेस्टो भी काफी ज्यादा बोरिंग था, ये बात मैंने अपने मैनिफेस्टो वाले वीडियो में भी कही थी। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, इससे यहाँ पर जितनी इन्होंने होप लगा रखी थी उन सारी होप्स को इन स्टेट्स ने क्रश कर दिया है। इनके जो बिगेस्ट प्लैंक्स थे, हिंदुत्व वाला प्लैंक, वो बिल्कुल ही फुस हो गया क्योंकि अयोध्या की सीट हार गए। इसके अलावा वेलफेयर, रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत कुछ इन्होंने गिनवाया, बहुत सारी चीजें दिखाई, लेकिन क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि कास्ट पॉलिटिक्स आज भी भारत के अंदर बहुत पावरफुल है और उसके आगे ये सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने जितने भी रिफॉर्म करे उससे जो वोटर इन्होंने गेन कर लिया था 2019 तक, वो वोटर बेस भले इनके साथ रहा हो क्योंकि इनका वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन नया वोटर अपने साथ जोड़ने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं ओवर कॉन्फिडेंस। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि अमेठी तक की सीट हार गए। उस सीट पर स्मृति ईरानी जायंट किलर बन के निकली थी 2019 में, जब इन्होंने राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराया था। लेकिन आज उसी सीट पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी हार जाती है और ये साफ साफ दिखाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट बांट दिए जिसके अगेंस्ट इनके पार्टी वाले भी थे और इनके सपोर्टर्स भी। और यही ओवर कॉन्फिडेंस इनके कट्टर सपोर्टर्स में भी दिखा। उन्हें लग रहा था 400 पार तो हो ही रहा है, तो अगर मेरी सीट पे कोई बेकार कैंडिडेट इन्होंने खड़ा कराए तो इन्हें वोट नहीं देके मैं इसे सबक सिखा दूंगा, वैसे भी 400 पार हो जाएगा। और देखते देखते 272 तक नहीं क्रॉस कर पाए। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी बहुत सारे करप्शन अक्यूज्ड ऑपोजिशन लीडर्स को भी अपनी पार्टी में ले आई और एक तरह से बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाने लगा, जो इनके सपोर्टर्स से लेकर इनके कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और इस नैरेटिव ने भी बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि जेपी नड्डा जी तो आके कहने लगे थे कि अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं यूपी के अंदर बहुत बड़ा इसका इन्हें नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा इनके जो सपोर्टर्स हैं वो ट्विटर पे लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इन्होंने साइडलाइन कर दिया था, इन्होंने जितने भी कैंडिडेट प्रपोज करे थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। योगी आदित्यनाथ को ना तो इनफ फुटेज मिला, ना क्रेडिट मिला और ना ही इनके फेवरेट कैंडिडेट्स को टिकट मिला। और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं इन्हें यूपी के रिजल्ट में साफ साफ देखने को मिलता है। इनके सपोर्टर्स भी कहीं ना कहीं इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो एक बबल में जी रहे थे। 2019 और 2014 के इलेक्शन एक वेव इलेक्शन में थे जहां पर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी अपने टॉप पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब वो पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है और ये चीज इनके सपोर्टर्स बिल्कुल भी नहीं देख पाए। लेकिन इस रिजल्ट से साफ है कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है और ये बात वाराणसी का रिजल्ट दिखाता है। 4.5 लाख के डिफरेंस से पिछली बार पीएम मोदी जीते थे और इस बार ये डिफरेंस घट के सिर्फ 1.5 लाख पे आ चुका है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वरना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी शायद ना जीत पाते, मथुरा से हेमा मालिनी जी शायद ना जीत पाती, मंडी की सीट से कंगना शायद ना जीत पाती और मेरठ में अरुण गोविल शायद ना जीत पाते। ऐसे बहुत सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जो आज हार चुके होते और शायद बीजेपी और ज्यादा कम सीटों से जीतती अगर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और थोड़ी सी डाउन हो चुकी होती। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी पार्टियों में अलग-अलग सीट पे खड़े हुए लीडर जीतते हैं और फिर वो अपनी सरकार बनवाते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको टिकट मिल जाता है लेकिन वो वेट करते हैं कि मोदी जी कुछ कर देंगे, हम जीत जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में अगर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी भी और डाउन होती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि बीजेपी की कंडीशन कांग्रेस से भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब अगर कुछ मैं स्पेसिफिक सीट्स की बात करूं तो प्रज्वल रेवन्ना, जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था, ये अपनी हसान की सीट से हार गए हैं, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन सैड बात यह है कि बशीरहाट की जिस लोकसभा सीट में संदेश खली आता है वहां से टीएमसी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी हार चुके हैं, जिनके बेटे आज बेल पर बाहर हैं। इन पे आरोप था कि इन्होंने लोगों के ऊपर अपनी थार चढ़ा दी। अब सवाल आता है कि इसके बाद क्या होगा। देखो, बीजेपी अपने दम पे 272 यानी मेजोरिटी नहीं पहुंच रही है, तो इसे टीडीपी और जेडीयू इन दोनों का सपोर्ट चाहिए। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है जो 2023 में ऑपोजिशन में थे, बीजेपी के साथ में नहीं थे और सारे ऑपोजिशन को यूनाइट कर रहे थे और इस इलेक्शन से जस्ट पहले इन्होंने बीजेपी का साथ में बिहार में सरकार बना ली थी। 2019 में अगर आप देखें तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी यही कर रहे थे, ये पूरे ऑपोजिशन को यूनाइट करते घूम रहे थे और अभी इस टाइम पर ये बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस के अंदर है। तो अगर ये दो अलायंस पार्टनर एनडीए में रहते हैं तो एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन अगर ये वापस से एनडीए को छोड़ देते हैं, ऑपोजिशन के साथ चले जाते हैं, तो मामला ट्रिकी हो जाएगा और फिर वही जोड़ तोड़ की राजनीति और रिजॉर्ट ओनर्स के प्रॉफिट वाला मामला शुरू हो जाएगा। और बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ने में कोई नुकसान भी नहीं है। आंध्र के अंदर टीडीपी ऑलरेडी फुल मेजोरिटी के साथ स्टेट इलेक्शन में जीत चुकी है, तो बीजेपी से तोड़ने के बाद भी ये इजीली इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। जेडीयू भी अभी तक तो इंडिया अलायंस का ही पार्ट
था, उनके साथ सरकार चला रहा था आरजेडी के साथ मिलकर, तो वापस जाने में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो वैसे भी फेमस है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और है, मैं 6 बजे शाम को 4 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस टाइम तक अगर टीडीपी और जेडीयू इंडिया अलायंस में चले भी जाते हैं तो वो 272 नहीं क्रॉस करेंगे, तो इसमें फिर और जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। इसके अलावा एक बात यह है कि इंडिया अलायंस में ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर हैं, तो टीडीपी जेडीयू वहां पर अगर जाते भी हैं तो उन्हें बड़े पोर्टफोलियो मिलने की संभावना कम है। वहीं अगर ये एनडीए के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, तो इनके पास नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा होगी और इन्हें शायद बड़े पोर्टफोलियो मिल जाए। लेकिन सरकार किसी की भी बने, चाहे एनडीए की बने, चाहे इंडिया अलायंस वाले जोड़ तोड़ की सरकार बनाए, 2-4 बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे देश में वापस से कोएलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनने वाली है, और कोएलिशन की सरकार जब बनती है जहां किसी के पास मेजॉरिटी ना हो, तो कितना ड्रामा चलता है ये 2004 में, 2009 में और पूरे 1990s में हमने देखा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की मेमोरी कम है और बहुत सारे लोग उस टाइम पे थे नहीं, तो मैं बड़ा खुश हूं कि जो लोग बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बना के कह रहे थे कि कोएलिशन की सरकार कितनी अच्छी होती है, अब उन्हें देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में कोएलिशन की सरकार कैसे चलती है। मैं कुछ प्रेडिक्शन करता हूं, अगले 5 सालों के अंदर देश के अंदर कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ज्यादातर जो डिसीजन होंगे वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर लिए जाएंगे। यानी कि अगर टीडीपी एनडीए के साथ रहती है तो वो मांग करेगी कि आंध्र को एक स्पेशल स्टेटस दो, तो दे दिया जाएगा। जैसे अगर जेडीयू एनडीए के साथ रहते हैं तो बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले वो डिमांड करेंगे कि बिहार को एक बड़ा पैकेज दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो पॉपुलिस्ट स्कीम होती है, जो नेता लोग अलग अलग इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, उसकी अब बौछार होने वाली है, क्योंकि जितने अलायंस पार्टनर होंगे वो सब अपने अपने स्टेट में इलेक्शन आते ही उस तरह की पॉपुलिस्ट स्कीम्स की डिमांड करेंगे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा पावर डायनेमिक्स भी खूब होंगी, कभी टीडीपी वाले बोलेंगे मैं छोड़ के जा रहा हूं इंडिया अलायंस में, कभी जेडीयू वाले बोलेंगे 1 मिनट में सरकार गिरा दूंगा, और इस तरह का जो ड्रामा होगा ना, तो आपको हर 2-3 महीनों में एक बड़ी बड़ी मीटिंग होती हुई दिखेगी और इस तरह के ड्रामे देखने को मिलेंगे। और हो सकता है बार बार पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता रहे जिसमें सरकार को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो जब सरकार इन सब चीजों में बिजी रहेगी तो जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, इकॉनमी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे तो शायद ध्यान थोड़ा कमी रहेगा, ज्यादातर लोग अपनी पॉलिटिक्स साधने में 5 साल बिताने वाले हैं। और ऐसी सिचुएशन बनती है तो अनफॉर्चुनेटली ये देश के लिए तो बुरा होगा, लेकिन यूट्यूब फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग ये कह रहे थे कि काश एक बार देश में कोएलिशन सरकार आ जाए, मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि दोस्तों अब आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि कोएलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएं और रिफॉर्म्स इस देश में होते रहें, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख सकते हैं। एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलाने के बावजूद उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए थे, उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म करे थे, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, कारगिल वॉर भी झेली थी और बहुत सारी चीजों को उन्होंने मैनेज करा था। ऑल्दो वो अपना अगला इलेक्शन नहीं जीत पाए, लेकिन शायद वो इसी तरह के इंसान थे कि वो देश को पॉलिटिक्स से ऊपर रखते थे, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी सरकार बनाए वो देश को पॉलिटिक्स से ऊपर रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।